जाता है ना तो मेंटल नहीं होता है। वो बच्ची की आवाज है वो बच्ची। अरे और फिर 3 बजे आके 45 मिनट लेट आके हम लोग को बोलते हैं कि दूसरा पेपर बना। एनटीए जैसी संस्था नीट से एग्जाम कराती है और ये होता है। नीट एग्जाम में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, ये रिवाज बनता चला जाएगा या फिर इसको रोका जाएगा, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने के लिए नीट का एग्ज़ाम दिलाया जाता है जो काफ़ी टफ होता है, और एग्ज़ाम की तैयारी में जो बच्चे लगे होते हैं उन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी होती है। ये एग्ज़ाम हर साल कराया जाता है और देश भर से लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, मगर जब परीक्षा हो जाती है उसके बाद कई सारे खबरें भी छपती हैं कि नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, कि किसी राज्य में नीट के एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया है। ऐसी खबरें जब बच्चों तक पहुंचती है तो उनके बीच में मायूसी फैल जाती है। ऐसी खबरों से काफ़ी असर पड़ता है उन विद्यार्थियों पे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ऐसी खबर इस बार 2024 के नीट के एग्ज़ाम में भी सामने आई है। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होता है और उसमें भी धांधली का खबर जो है सामने आता है। मेरा नाम मनीष है और आप KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। 2024 5 मई को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और पूरे देश भर से लगभग 24 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद कई सारे खबरें सामने आने लगती हैं। खबरें कौन सी? नीट के एग्ज़ाम में धांधली की। पूरे देश भर से कुछ प्रमुख राज्य हैं जहां से नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई, ऐसे खबरें आती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो बालोद ज़िला है वहाँ से एक बड़ी खबर सामने आती है। वो खबर क्या है, आइए समझते हैं। बालोद जिले को पहली बार नीट एग्ज़ाम के लिए केंद्र बनाया जाता है। बालोद जिले में 2 केंद्र बनाए जाते हैं जिसमें लगभग 391 बच्चे शामिल होते हैं। एग्ज़ाम शुरू होता है, बच्चे एग्ज़ाम हॉल पर पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र बांटा जाता है। उसके बाद बच्चे प्रश्न हल करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद शिक्षकों द्वारा बच्चों को ये बताया जाता है कि ये जो प्रश्न पत्र आपको दिया गया है ये नीट का प्रश्न पत्र नहीं है। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं हैरान। फिर उन्हें बताया जाता है कि अब आपको दूसरा प्रश्न पत्र देंगे। फिर उन्हें दूसरा प्रश्न पत्र दिया जाता है ये कहकर कि ये है नीट का प्रश्न पत्र। उसके बाद बच्चे उसे हल करना शुरू कर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इस दूसरे प्रश्न पत्र में आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बच्चे प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद उन्हें वो 10-15 मिनट जो समय है जो कहा गया था वो भी नहीं दिया जाता है। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, असंतोष हो जाते हैं, बाहर आते हैं एग्ज़ाम हॉल से और अपने परिजन को ये बताते हैं कि एग्ज़ाम देने के दौरान प्रश्न पत्र को लेकर इतनी सारी चीज़ें हुई जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हुए, हमारा समय व्यर्थ हुआ और हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी बुरा गया। इसके बाद परिजन जो होते हैं वो काफ़ी आक्रोश में आकर केंद्र में जाते हैं, परीक्षा केंद्र में जाकर वो पूछते हैं सवाल कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा क्यों हुआ। सवाल जवाब होते होते वहाँ हंगामा होने लगा और वो हंगामा पूरे देश भर में पहुँच चुका। वही खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी खबरें और भी राज्यों से आई है। UP से भी एक खबर आई है कि वहाँ पर नीट के एग्ज़ाम के जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं। राजस्थान से खबर आती है कि नीट एग्ज़ाम के पेपर में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी मीडियम का जो प्रश्न पत्र है वो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यही हल करो। और एक खबर आती है किसी ज़िले से कि वहाँ पर MBBS के जो छात्र होते हैं वो डमी छात्र बनकर एग्ज़ाम देने पहुँच जाते हैं। साथ ही और भी खबर आती हैं कि इस एग्ज़ाम में नकल भी पकड़ाए जाते हैं। नीट जैसा एग्ज़ाम जो काफ़ी टफ होता है उस एग्ज़ाम में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने सारे जो धांधली हो रही है इसे कंट्रोल भी नहीं किया जाता है। घूम फिर कर हम वापस आते हैं बालोद ज़िला में। बालोद ज़िला में जो हुआ मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, वहाँ की कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे उनकी बातें हैं, उन जो महसूस कर रहे हैं जो उनके साथ बीता वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, देखते हैं। हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर 2 पेपर दिया गया, शुरू में ही 2 पेपर। फर्स्ट पेपर को हम लोग साइड में रख दिया और बोले सिर्फ एक ही पेपर बनाना है करके। हम लोग सिर्फ एक ही पेपर बना रहे हैं और फिर 3 बजे आके 45 मिनट लेट आके हम लोग को बोलते हैं कि दूसरा पेपर बनाना है। तो हम लोग का 1 घंटा जो है वो वेस्ट हुआ है। तो हम लोग को वो 1 घंटा अपना वापस चाहिए। वो 1 घंटा में हम लोग बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ सोच सकते थे जो कि नहीं हो पाए। तो अतिरिक्त समय आप लोगों को नहीं दिया गया? नहीं, उन लोग ने बोला कि बाद में उन लोग अतिरिक्त समय देंगे जब हो जाएगा, पर उन लोग नहीं दिए। अच्छा,
और 5:20 जितने बजे छुटता है हम लोग का पेपर उतने समय में ही छूट गया। कितना समय आपका शुरू हुआ पेपर और कितना समय खत्म हुआ? हम लोग का 3 बजे हुआ, जितना टाइम रहता है वही हुआ, मतलब 3 बजे लेट अगर हम 2 बजे चालू होता है पर हम लोग को 3 बजे हम लोग 3 बजे जो असली पेपर हम लोग 3 बजे मिला और 5:20 को खत्म। तो आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर पेपर दोनों वापस मांग लिए फिर नया दिए क्या? हाँ, फिर दूसरा वाला जो वहाँ पर दूसरा रखा हुआ था साइड में उसको बोले ये बनाओ और जो पहले वाला था उसको हम लोग रख दिया। ठीक है, अपना नाम बताओ। हम लोग को 2 बजे नीट का पेपर दिया गया था सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग ने 1 घंटा लगातार पूरा बनाया पेपर। 1 घंटा बाद आके हम लोग को बोला गया कि ये दूसरा पेपर है इसको सॉल्व करना है, वो वाला जो आप भरे हो उसका हम लोग एक्स्ट्रा टाइम आपको गिवन कर देंगे। फिर जब हम लोग दूसरा पेपर हम लोग बनाना स्टार्ट कर दिए गए तो हम लोग से वही टाइम एग्जैक्ट टाइम पर 5:20 को पेपर वापस दे दिया गया और एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग का पूरा पेपर छूट चुका है। और हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा बोले थे बट हम लोग एक्स्ट्रा टाइम दिया और वो बोले थे एन टी ए की ऊपर की तरफ से अब आप क्या चाहते हैं? वो सब चल जाएगा, कुछ नहीं होगा, 40 मिनट 45 टाइम एक दिन के लिए वेट, एक दिन के लिए ट्राई करते हैं, एक दिन के लिए वो जब एक दिन निकल जाता है ना तो मेंटल नहीं होता है। कितना मरता है वो बच्ची की आवाज है, वो बच्ची की रोज रोज सुबह 4 बजे उठता है, 11 बजे सोता है, 5 घंटे क्या उखाड़ लेगा बताइए सर। एकदम सही बात बोल रहे हो दीदी, हम साथ हैं आपके, बोलो बोलो। वो साथ से मर रहे हैं, अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, इतनी मेहनत करी सिर्फ एक दिन के लिए और आप लोग इतनी गंदी गलती, अगर नहीं होती ऐसी तो क्यों बालक को सेंटर बनाए, हमारे घर के पास था करके बालक का सेंटर लिया, बट अगर आपसे नहीं होता है तो क्यों लिया इतना इतना बहुत बड़ा मान लिया है, अभी काम लीजिए, अभी फिर दोबारा एग्जाम लीजिए, अभी लीजिए एग्जाम, हम कई बच्चे नहीं चाहेंगे, अब दोबारा अभी एग्जाम लीजिए बच्चों का, यदि कोई बच्चा कुछ करता है उसकी जिम्मेदारी दोबारा एग्जाम दीजिए, मैं आराम से एफआईआर आई कराऊंगा, आप सूचित करिए, अभी तक क्या किया आपका आईकार्ड दिखाइए सर, ऊपर करिए आईकार्ड, बहुत फोटो खिंचवा रहे थे ना। तो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में कुछ बच्चियां जो नीट के एग्ज़ाम देने पहुंची थी वो कैसे अपने संघर्षों को बता रही है चीख चीख कर, वो ये कह रही हैं कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा और जो अंधकार में चला गया उसका क्या होगा, और ये दावा भी कर रही हैं जब केंद्र बनाने के बाद जब आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो क्यों बनाया केंद्र। कई सारे सवाल जवाब हुए वो आपने पूरे वीडियो में देखा कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर धांधली की जो खबरें आती हैं वो हर साल आती है, कई सारे दावे कई सारे खबरें लोगों के बीच में पहुंचती है मगर नीट के एग्ज़ाम को लेकर कोई सुरक्षा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती देखने मिलती है। एक बच्चा जो अपना पूरा समय सुबह 4 बजे से लेकर रात रात तक पढ़ता है नीट की तैयारी करता है वो एग्ज़ाम देने पहुंचता है और उसके साथ ये होता है और ये होने के बाद वो क्या होता है, खबर उसकी खबर बनती है, खबर बनने के बाद क्या होता है, ऐसी खबरें तो बहुत बार बनी। एनटीए जैसी संस्था नीट जैसा एग्ज़ाम कराती है और ये होता है, क्या पेपर लीक को कंट्रोल करने का नियंत्रण करने का कोई रास्ता नहीं बना पाई सरकार या कोई संस्था जो बड़े बड़े दावा करते हैं। लोकसभा चुनाव का माहौल है जहाँ पर दोनों जो प्रमुख पार्टियाँ हैं वो ये दावा करती हैं अपने मैनिफेस्टो में लिखती हैं कि हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है पेपर लीक का, पेपर लीक को नहीं होने देंगे, उसके लिए कानून लाएंगे, उसकी कार्रवाई की जाएगी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। मगर ये जो पेपर लीक का मामला है ये बहुत पहले से होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है, जो बच्चा इतना मेहनत करता है और एग्ज़ाम आप उनका उनकी आवाज़ सुन रहे होंगे आप वीडियो में, आपने देखा होगा मैं वीडियो में भी चला रहा हूँ, इनके साथ कौन खड़ा है, जिन युवाओं का देश कहा जाता है भारत को, उन युवा जो युवा पढ़ाई लिखाई कर आगे बढ़ने के बारे में विचार करता है उनके साथ पेपर लीक जैसा चीज़ हो जाता है, उनके साथ खड़ा कौन हो रहा है, कौन बड़े दिग्गज लोग खड़े हो रहे हैं, कौन सुनने आ रहा है, कौन इस समस्या का हल निकालेगा। बहुत सारे सवाल है, नीट जैसे एग्ज़ाम ही नहीं और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जो जिसमें पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, इसी के साथ और भी कई सारे प्रमुख एग्ज़ाम होते हैं जो सेंटर के होते हैं जो स्टेट के होते हैं उसमें भी कई सारे खबरें आती हैं, कई सारे एग्ज़ाम में घोटाले होते हैं, उसका भी कोई समाधान सामने नहीं आता है, ये होते जा रहे हैं हम देखते जा रहे हैं और इस पर जो हल है इसका जो समाधान है ये कब निकलेगा
कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, इसका भी इंतज़ार हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और एग्ज़ाम के लिए वो युवा कितना मेहनत करता है, रोज़गार बेरोज़गार जैसी चीज़ों पे कितना उलझा होता है। वहाँ पर पेपर लीक हो जाता है तो कई सारे चीज़ें होती है, कई सारे आंदोलन होते हैं, आपने भी देखा होगा। मगर उसके बाद भी फिर से अभी जो खबर आई, जो मैंने आपको बताया कि नीट एग्ज़ाम में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, ये रिवाज बनता चला जाएगा या फिर इसको रोका जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि पेपर लीक को रिवाज नहीं बनने देना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हम युवाओं के लिए बेहतर होगा। तो आप क्या इस पर विचार करते हैं ज़रूर बताइएगा। और ये याद रखिएगा कि उन देश के युवाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ होना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लगातार जुड़े रहिए और इस खबर को लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।